साढ़े तीन टन यूज्ड हैंड ग्लव्स, इस्तेमाल किए हुए ग्लव्स को धोकर फिर से बेचने का चल रहा था गोरख धंधा। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने पावड़े के गोदाम से 3 टन उपयोग किए हुए वैद्यकीय ग्लव्स जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी उपयोग किए हुए ग्लव्स को वॉशिंग मशीन में धोकर बेचते थे। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें उसने इस गोरख धंधे के मुख्य आरोपी प्रशांत सुरवे के साथ 2 वॉशिंग मशीन और सुखाने वाली मशीन समेत 6,10,000 से अधिक का माल जब्त किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुभाष निकम ने बताया कि हमने आरोपी को अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। हम इस बीच उससे इन ग्लव्स की सप्लाई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमें शक है कि इसने कोरोना महामारी के समय ऐसे ग्लव्स की बिक्री भी की होगी। इन सब बातों की जानकारी ली जाएगी और साथ ही इस केस में शामिल अन्य लोगों को भी पकड़ा जाएगा। हे हाथ मोजे जे आहेत हे दवाखान्यातून जे डिस्कार्ड केले जातात डॉक्टरांकडून, एकदा वापरल्यानंतर एकदाच यूज, वन यूजचे हे हात मोजे आहेत निळ्या रंगाचे लॅटेक्सचे, हे रियूज होत नाही। तर ते डिस्कार्ड केल्यानंतर गार्बेजमध्ये जात असतील, तर गार्बेज जे नष्ट करायला पाहिजे होतं ते नष्ट न करता त्याच्यामध्ये ती बदमाशी करून कोणीतरी यांना कलेक्ट करून पुढील प्रोसेससाठी यांना देत असतील। तर त्याच्याबद्दल आमचा सखोल तपास चालू आहे आणि ते जे रॅकेट आहे की जिथून हे प्राप्त करतात ज्यांना देतात त्या संबंधाने आमचं आरोपीची 7 दिवसाची PCR आहे, त्या PCRच्या दरम्यान आम्ही व्यवस्थित त्याच्याकडून माहिती घेऊन संबंधितावर कारवाई करत आहोत। आधीपर्यंत त्याच्याबद्दल तपास चालू आहे की केण्याची शक्यता पण आहे की साधारण आता कोविड चालू झाला आपल्याकडं मार्चच्या दरम्यान, त्यानंतर यांच्या डोक्यात कल्पना येऊन ही जे कारवाई चालू केली असेल तर साधारण शक्यता आहे की याच्या आधी पण त्यांनी एखादी दुसरी खेप केली असावी, त्याच्याबद्दल आम्ही माहिती घेत आहोत। ज्ञात हो की कोरोना महामारी के चलते लोग अपनी सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं, इसी के साथ स्वास्थ्य कर्मी भी हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हैं। ऐसे में इस तरह का गोरख धंधा लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है, इसलिए अगली बार कोई भी वैद्यकीय सामान खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 India। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।